हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए आज का जो पेपर है भौतिक विज्ञान का, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। सो गाइस, आपको पूरा वीडियो देखना है और हमें कमेंट्स करके बताना है आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो गाइस, यहाँ पर किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से, जो विद्युत द्विध्रुव होता है गाइस, कुछ इस तरीके से द्विध्रुव के केंद्र से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनुपातिक होता है। तो गाइस, इससे जो आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र सपोज रखा हुआ है कोई, तो ये अनुपातिक होता है। तो इसका सही आंसर आएगा इसके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपातिक, तो 1/r² 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन था गाइस, 10 कूलम आवेश देने से किसी चालक की विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि हुई, चालक की धारिता होगी। तो गाइस, धारिता होती है C=Q/V। तो यहाँ पर जो क्यू है यह 10 कूलम और जो विभव है वी यह है 2, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। 10 से 2 हमारे पास आएगा 5 फेरेड, इसका सही आंसर आएगा 5F। फिर है गाइस, अगला क्वेश्चन हमारे पास विद्युत सेल स्रोत है। तो गाइस, जो विद्युत सेल होता है ये होता है विद्युत धारा के लिए, तो यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चौथा और यहाँ पर चौथा गाइस, यहाँ पर इन्हें छठवा लिख दिया। तो गाइस, विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का कारण, तो ये होता है गाइस त्वरित आवेश। फिर गाइस, कांच के किसी उत्तल लेंस में को जल में डुबाने पर, गाइस जब कांच को उत्तल लेंस को जल में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, सही आंसर होगा इसका ए वाला। फिर यदि कोई तरंग विरल माध्यम सघन माध्यम में अपरिवर्तित होती है तो इसमें गाइस कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर गाइस हम देखते हैं इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुँचती है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसमें से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस डी वाला। और अगला क्वेश्चन, सिर्फ स्थानों की पूर्ति करना है किसी चालक के भीतर स्थिर विद्युत विभव। तो गाइस, आप जानते हो किसी भी चालक के अंदर जो विद्युत विभव होता है यह हमेशा होता है 0, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 0। फिर गाइस, प्रेरित विद्युत निम्न में परिवर्तन के कारण होता है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स के कारण होता है प्रेरित विद्युत वाहक उत्तरण, जिसमें जैसे कि हमने लेंज के नियम में देखा है। फिर गाइस, यहाँ पर जो प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के कार्यस्थान प्रभाव पर होते हैं, तो ये धारा के उसमें प्रभाव, तो किस तरह आप लिखिएगा उसमें प्रभाव पर आधारित होते हैं। अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए, जो गाइस आपका चौथा क्वेश्चन से, अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए, तो यहाँ पर आप लिखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। 5वां क्वेश्चन से, तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करते बिंदुओं के बिंदु पथ को खालिस्तान कहते हैं, तो यहाँ पर तरंगाक्ष कहते हैं। फिर है गाइस, फोटान का विराम द्रव्यमान, तो जो फोटान होता है इसका विराम द्रव्यमान होता है 0, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 0। अब गाइस, आपको सही जोड़ी बनाना है, तो देखिए ध्यान से, 0 यहाँ पर गाइस शून्य सापेक्षशीलता, तो इसके लिए आप लिखिएगा बी वाला। चुंबकीय ऊर्जा प्रत्येक अंक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण, तो इसके लिए आप लिखिएगा सी वाला, प्रति चुंबकत्व। और अगला है गाइस, तीसरे के लिए आप लिखिएगा एम चुंबक चुंबकन एन। और जो चौथा है, चौथे का आंसर ये रहा गाइस यहाँ पर, चौथे का एफ वाला। 5वें के लिए आप लिखा लगाइएगा गाइस यहाँ पर, जो चौथे के लिए हमने लगा दिया एफ वाला, और जो 5वें के लिए आप लगाइएगा गाइस, 5वें का ये रहा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। और जो छठवां है, छठवें के लिए गाइस आप यहाँ पर, छठवें के लिए लगाइएगा यहाँ पर B/H। तो गाइस यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लेना, यहाँ पर हमने नंबर डाल दिए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर गाइस, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है, तो अनुगमन वेग और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में संबंध है। तो गाइस, हमने सपोज जो अनुगमन वेग है इसको माना U और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को हमने मान लिया E, तो U प्रोपोर्शनल टू होता है E। जैसे जैसे U बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर बढ़ने वाला है। फिर दो समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही हो तो उनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी गाइस, तो एक ही दिशा में प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत दिशा में आकर्षित करेंगे, तो एक ही दिशा के लिए आप लिखिएगा प्रतिकर्षित। फिर गाइस, एक परिनालिका की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए जबकि फेरों की संख्या में कोई परिवर्तन ना किया गया, तो परिनालिका में स्वप्रेरकत्व कैसा होगा, तो यह होगा दुगुना, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 2 गुना। इसकी लंबाई को दुगुना करेंगे तो प्रेरकत्व दुगुना होगा, लंबाई आधी प्रेरकत्व आधा। फिर है गाइस, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर गहराई वाले बर्तन में कोई द्रव भरा है, तल पर रखे चक्के की गहराई 8 सेंटीमीटर मापी जाती है, द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा। तो गाइस, इसके बाद फार्मूले के अंदर हमको वैल्यूज पुटअप करना होगा, तो आप यहाँ पर इसका 8 से भाग लगा कर देख लीजिएगा, तो ये आएगा गाइस 1.25। फिर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये बढ़ती है गाइस, इसके लिए आप लिखिएगा बढ़ती है। अब आपको लिखना है गाइस यहाँ पर किसी पदार्थ सही सत्य सत्य लिखना है। तो पहला क्वेश्चन से,
किसी पदार्थ पर आवेश का मान एक कूलम आवेश का पूर्ण गुणज हो सकता है, तो ये इसका आंसर आएगा सही। फिर आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबवत होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। फिर अगर ऑप्टिकल फाइबर में कोर का अपवर्तनांक फ्लैंडिंग का अपवर्तनांक से कम होता है, तो इसके लिए आप लिखेगा गलत। फिर अगर जो प्रकाश विरल माध्यम सघन माध्यम गमन करता है उसकी ऊर्जा कम होती है, ये आप लिखिएगा सही। और अगला जो क्वेश्चन है, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग अलग होती है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगर जो बड़े क्वेश्चन हैं इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।